नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लेके आई हूँ व्रत में खाई जाने वाली आलू की टिक्की की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी ये बनके तैयार होती हैं और बहुत ही झटपट ये बन जाती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत वाली आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 7 आलू ले लिए हैं। तो सारे आलुओं को मैं इस तरह से हाथ से मैश कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारे आलूओं को हाथ से फोड़ लूँगी। आप चाहें तो मैसर से भी मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं। मैं गरम गरम ज़्यादा ठंडे आलू को नहीं होने दिया है क्योंकि ज़्यादा ठंडे होकर ना टाइट हो जाते हैं तो अच्छे से मैश नहीं हो पाते। तो मैं गरम गरम को ही अच्छे से मैंने मैश किया है। तो यहाँ पर डाल दूँगी अब मैं कुछ सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके। अगर आप व्रत में खाते तो डालें, अगर जो चीज़ नहीं खाते स्किप भी कर सकते हैं। धनिया पत्ता और दोनों चीज़ों को फिर से मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कटोरी कूटू का आटा। कूटू का आटा ना हो तो आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हो। तो मैं कूटू का आटा मिला देती हूँ इसमें आधा कटोरी। और इसको मिलाने के बाद फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक, नमक मैं डालूँगी व्रत वाला सेंधा नमक। उसके बाद काली मिर्च पाउडर, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। इन सारी चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिला लूंगी। अगर हमें यहाँ पे अपना ये बैटर जो है अपने टिक्की का जो पीस बना रहे हैं ये पतला दिखा तो हम इसमें आटा और डाल सकते हैं। पहले हम आधा कटोरी आटे से ही से लगा के देखेंगे कि ये पतला ना ही हुआ तो सही है। तो हाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें बनाना था जो बन के तैयार हो गया है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेते जाएंगे और इसमें से हम टिक्की बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह गोल गोल बनाया मैंने। फिर इस तरह मैं हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए टिक्की बना लूँगी। ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारी टिक्की बना के तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पर सारी टिक्की बना के तैयार कर ली है तो आप देख सकते हैं। तो हम चलेंगे टिक्कियों को सेकने के लिए। तो हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, यहाँ पर इन्हें मैं सेल्फ फ्राई करूँगी। गैस पर मैंने रख दिया था पैन, इसमें डाल दिया मैंने घी। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया, ज़्यादा घी नहीं लिया है। घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब जितने एक बार में हमारी इसमें टिक्की आ जाएंगी मैं एक एक करके इसमें रख दूंगी। तो एक बार में जितनी आ जाए आप उतनी रख सकते हैं। मेरी यहाँ पे एक बार में 5 टिक्की आ गई थी तो मैंने 5 टिक्की रख दी है। एक दूसरे चिपके नहीं, इस तरह से मैं रखनी है। और इनको मैं अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकने दूंगी जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। क्योंकि हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे ना तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगी लेकिन इतना बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अगर आप लो फ्लेम पर सेकेंगे ना तो ये अंदर से एकदम अच्छी सी क्रिस्पी होंगी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो 2 मिनट बाद मैंने चेक किया तो आप देख सकते हैं एक साइड से काफ़ी अच्छी सिक चुकी हैं। तो इन्हें मैं पलट देती हूँ और फिर से इन्हें अलटते पलटते हुए हम दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी सेकना है हमें। तो बस गैस का फ्लेम आपको ध्यान रखना है कि हाई नहीं करना है, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी अंदर से, इतने खाने में टेस्टी नहीं लगेंगी। तो मैं आपको फिर से पलट के दिखाती हूँ। और मैं इसे ना पकड़ के और फोनर जो है इसके थोड़े कच्चे रह जाते हैं उनको भी थोड़ा सा सेक लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, हल्का सा सेक रही हूँ जो कि कच्चे ना लगें। और फिर से मैं पलट देती हूँ तो आप देख सकते हैं सारी टिक्कियों का कलर कितना अच्छा आया है। तो ऐसे ही हमें दोनों साइड से इतना ही गोल्डन कलर लाना है सारी टिक्कियों में। तो यहाँ पर मेरी टिक्की हो गई है बन के तैयार। फिर से मैं पलट देती हूँ एक बार इनको। बहुत ही अच्छा कलर है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखने में ही लग रही है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी होंगी। तो मैं एक एक करके सारी टिक्कियों को अब निकाल लेती हूँ। सारी टिक्कियाँ निकाल लेते हैं और इसी पैन में फिर से मैं और टिक्की रख देती हूँ जो मेरी बची थी। और इन टिक्कियों को भी जैसे हमने पहले टिक्की सेक के तैयार की हैं उसी तरह से सेक के तैयार करेंगे। बहुत ही झटपट ये बन जाती हैं। तो चलते हैं सर्व करने। अगर आपको मेरी टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और मैंने सर्व किया है धनिये की चटनी के साथ। अगर आप व्रत में नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।